नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये एक से लेके 75 क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की इसमें जो रैंक है ये है 135। और देखो पीडीएफ भी आप इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? तो ये बना है त्रिपुरा में। थर्ड क्वेश्चन, कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजकुमार राव। फोर्थ क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया कर्नाटक में। फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो ये की है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, 15 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 के बीच सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया झारखंड में। सेवन्थ क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो ये जीता बिहार ने। एट्थ क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 सही आंसर है। टेंथ क्वेश्चन, भारत के 600,000 गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो 2024 ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये 11th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरेला उत्सव ये उत्तराखंड में मनाया गया। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 13th क्वेश्चन, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। 14th क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? चीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 15th क्वेश्चन, 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया? तो कनाडा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 16th क्वेश्चन, प्रतिष्ठित 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? ये जीता कैरोलिना ब्लावस्का ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन, मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। 18वां क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश को। 19वां क्वेश्चन, एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? बारबाडोस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम में। 21वां क्वेश्चन, नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये रहा केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, पंकज शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 23वां क्वेश्चन, डैम सेंड्रा प्रूनेला मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो बारबाडोस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन, किस राज्य की प्रसिद्ध पर्वतरोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतरोही फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया? तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 25वां क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? ये 1 मई को मनाया गया। 26वां क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का निधन हो गया? तो केन्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, किसको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर डेविड एटनबरो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन सा बना? ये बना सांबा। 29वां क्वेश्चन, रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। 30वां क्वेश्चन, किसको नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? कृष्ण रामानुजम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सुधाकर दलेला को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? भूटान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 32वां क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सहभागिता योजना शुरू की है? तो ये की है दिल्ली ने, सहभागिता योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, किस राज्य के
औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है? तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। 35वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अजय माथुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 36वां क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 37वां क्वेश्चन, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता इंडोनेशिया ने। 38वां क्वेश्चन, कौशल मातृत्व योजना किसने लॉन्च की? ये की छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल मातृत्व योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश सही आंसर है। 40वां क्वेश्चन, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। 41वां क्वेश्चन, सर्जियो मैटेरेला किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इटली के नए राष्ट्रपति बने हैं। 42वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता राफेल नडाल ने। 43वां क्वेश्चन, भारत किस देश की मदद से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलेगा? इसराइल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 44वां क्वेश्चन, प्रियंका नौटंकी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, वह किस राज्य से हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क शुरू की है? तो ये की है कर्नाटक सरकार ने। 46वां क्वेश्चन, किस देश ने नूर 2 सैटेलाइट लॉन्च की है? ईरान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 47वां क्वेश्चन, किस देश में स्थित भारतीय राजनयिक मुकुल आर्य का निधन हो गया? तो फिलिस्तीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 48वां क्वेश्चन, किस राज्य का दुधला गांव पहला पूरी तरह से सोलराइज्ड गांव बनने जा रहा है? गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 49वां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? हैदराबाद इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 50वां क्वेश्चन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बाहिनी योजना शुरू की है? तो ये की है सिक्किम सरकार ने। 52वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना प्रस्तावित की है? झारखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 53वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रस्तावित की है? तो झारखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 54वां क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हैरत महोत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जम्मू कश्मीर में एक महोत्सव और मनाया गया, इसका नाम क्या है? सूफी महोत्सव। 55वां क्वेश्चन, होप आइलैंड जो खबरों में है कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अंबुबाची मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 56वां क्वेश्चन, केंद्रीय महिला पुरुषोत्तम रूपाला ने 5 मार्च 2022 को किस राज्य में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया? तो गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57वां क्वेश्चन, किस राज्य में शुरू की गई सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस? तो 57वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 58वां क्वेश्चन, रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 59वां क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। 60वां क्वेश्चन, किसने मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब जीता? तो ये जीता राफेल नडाल ने। 61वां क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए महाग्राम के साथ करार किया? उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 62वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 1 मार्च 2022 को आरोग्य वनम का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो ये किया दिल्ली में। 63वां क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने पर मयूर लोगों का अनावरण किया? तो बेल्जियम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम का आयोजन शुरू हुआ? तो ये हुआ कर्नाटक में। 65वां क्वेश्चन, रिलायंस जियो इंडिया एशिया एक्सप्रेस के तहत किस देश को अंडर सी केबल से जोड़ेगा? मालदीव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 66वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2022 को राज्य की कृषि निर्यात नीति शुरू की? महाराष्ट्र सही आंसर है। 67वां क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? उड़ीसा सही आंसर है। 68वां क्वेश्चन, कवल टाइगर रिजर्व खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? यह है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69th क्वेश्चन, सेल्स फोर्स स्किल्स इंडेक्स 2022 में पहली रैंक किसकी है? तो ये भारत की है। 70वां क्वेश्चन, किस राज्य में ऊँटों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की?
राजस्थान सही आंसर है। 71वां क्वेश्चन, 28 फरवरी 2022 को किस शहर में 5वां बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक संपन्न हुई, तो ये हुई राजशाही में। 72वां क्वेश्चन, रथ सप्तमी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया, आंध्र प्रदेश सही आंसर है। 73वां क्वेश्चन, किस राज्य के शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर कर दिया गया है, मध्य प्रदेश सही आंसर है। 74वां क्वेश्चन, अक्षय कुमार को 7 फरवरी 2022 को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वां क्वेश्चन, 1990 के बाद लंबित फाइलों को निपटान के लिए राज्य ने सद्भावना परियोजना शुरू की है, तो ये की है असम सरकार ने। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और PDF आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।